बीफ खाने वालों के मुंह से जय माता दी अच्छा नहीं लगता। ये लोग कुछ भी कह सकते हैं, भाई इन पर एक्शन लो, ये तो बेशरम लोग हैं यार। ये वो तमाम बातें हैं जो तमाम लोग कर रहे हैं, वो भी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के बारे में ये बातें कही जा रही हैं। उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। अब उन्हें क्यों ट्रोल किया जा रहा है, क्यों ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है, चलिए वो भी आप लोगों को बता देते हैं। पूरा मामला कहाँ से शुरू हुआ और लोग क्या कह रहे हैं सब आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले रणबीर कपूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, यकीनन आप लोगों ने भी देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा उन्हें हम बता देते हैं। वीडियो है क्रिसमस पार्टी का, जहां पर रणबीर एक अल्कोहल वाले केक को आग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये दावा किया जा रहा है कि भाई रणबीर ने केक में आग लगाने के बाद जय माता दी बोला। अब इतनी सी बात ही, मतलब कई लोगों को लग रहा है कि भाई वो इतनी सी बात ही, लेकिन कई लोगों को लग रहा है भाई बहुत बड़ी बात हो गई, जिसे लेकर अब सोशल मीडिया पर जो लोग हैं, जो यूजर्स हैं, उन्हें काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं और एक्टर और एक्ट्रेस को काफ़ी आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको ये भी बता दें कि एडवोकेट ने तो रणबीर के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवा दी है। अब उन्होंने क्या शिकायत दर्ज करवाई है, क्या धाराएँ वो लगवाना चाहते हैं उन पर, किन धाराओं के तहत वो FIR दर्ज करवाना चाहते हैं, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि लोग क्या बातें कर रहे हैं, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे लेकर लोगों की क्या राय है और वो क्या बोल रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सबसे पहला कमेंट मंजू नाम की एक यूजर ने किया है, जो लिख रही हैं ये लोग कुछ भी कह सकते हैं क्या, इस पर एक्शन लिया जाए। दूसरा कमेंट आपको दिखाते हैं जो कि अरुण कुमार नाम के एक यूजर ने किया है और वो लिख रहे हैं कि बीफ खाने वालों के मुंह से जय माता दी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद एक और यूजर ने कमेंट किया है जो कि लिख रहे हैं दारू का केक कट करके जय माता दी बोला फिर भी पब्लिक खुश। तो तमाम लोगों के तमाम ट्वीट्स या आप कह लीजिए कमेंट सामने आए हैं और इसको लेकर पूरा सोशल मीडिया एक तरह से हिल गया है। कुछ लोग इसके सपोर्ट में हैं कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, उन्हें हर्ट किया गया है। अब आपको बताएं रिपोर्ट के मुताबिक मामले की शिकायत घाटकोपर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है और एडवोकेट ने एक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की है। हालांकि अब तक केस दर्ज नहीं हुआ है। एडवोकेट की मांग है कि भाई एक्टर के खिलाफ धारा 295A यानी कि जानबूझकर किसी क्लास की रिलीजियस फीलिंग्स का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, उसके बाद धारा 298 यानी कि धार्मिक भावनाओं को आहत करते हुए जानबूझकर किसी शब्द का इस्तेमाल करना, उसके बाद 500 यानी कि मानहानि का केस, उसके बाद 34 यानी कि सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया काम। तो वो चाहते हैं कि भाई 500, 34, 298 और 295A ये जो धाराएं हैं उनके तहत रणबीर कपूर पर FIR दर्ज होनी चाहिए और उसके तहत केस यहाँ पर दर्ज होना चाहिए। हालांकि अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ बात करें तो वीडियो तो वायरल हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल जो रणबीर कपूर है वो अपनी एनिमल का सक्सेस इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी हिट रही है उनके करियर की, काफ़ी बड़ी पिक्चर रही है, काफ़ी लोगों को पसंद आई। लेकिन दूसरी तरफ कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने इस फिल्म को क्रिटिसाइज भी किया। लेकिन आपको बताएं तो सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर भारत में 450 करोड़ का बिजनेस एनिमल ने कर लिया था। टीजर ही काफी खतरनाक था, तो फिल्म तो लोगों को पसंद आती ही आती। तो फिलहाल इतनी सी अपडेट सामने आई है इस मामले से जुड़ी हुई, और भी अपडेट आएगी तो हम आप तक पहुंचाएंगे। इस मामले में और क्या बढ़त होती है और क्या लोगों के ओपिनियंस देखने को मिलते हैं, या सच में FIR होगी रणबीर कपूर पर और क्या एक्शन लिया जाएगा, वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आप लोग हमें ये बताइए कि रणबीर कपूर की इस वीडियो को देखकर या जो हमने आपको बातें कहीं है उसको देखकर आपको रणबीर कपूर की गलती लग रही है या नहीं लग रही, वो हमें जरूर बताइएगा। तमाम ऐसे और जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ।